दोस्तों, एटीएफ टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ रेडमी गो का FRP बाईपास कैसे करें। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और स्किप करने से दोस्तों आप लोग को पता नहीं चलेगा। दोस्तों, उसका जो लिंक होगा, मेरा जो ब्लॉगर का साइट है, उसमें मैं पूरा दे दिया हूँ। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, और वीडियो ज़रूर अंत तक पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इमरजेंसी कॉल में एक बार क्लिक कीजिए। उसका बाद आपको इमरजेंसी इस बटन में दो बार टाइप करना है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा उस कॉर्नर में जो है, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट में आपको जाना है। ऐड कॉन्टैक्ट में जाके आप यहाँ पे जो भी एक नाम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उस नाम पे दोबारा से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसी में सेलेक्ट करने से आपको दोस्तों थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और शेयर का ऑप्शन में आपको दबा देना है। शेयर का ऑप्शन में जब आप दबाएंगे, तब आपको SMS पे क्लिक करके रखना है, या इन्फो में क्लिक करना है। उसका बाद दोस्तों इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा नीचे जाना है, और SMS ऐप जो है उसमें दबा देना है। दबाने के बाद दोस्तों इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ओपन लिंक में एक बार ठोक दीजिए। ठोकने के बाद दोस्तों आप उसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाइए। ऊपर ले जाने के बाद यूट्यूब गो में दबा दीजिए। उसका बाद दोस्तों ये देखिए, यूट्यूब गो में फिर से दबाना है। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है उसमें एक बार दबा दीजिए। हाँ, एक बार दबा दीजिए। हाँ, उसका बाद दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आइए, जो एडिशनल सेटिंग से इसमें एक बार क्लिक करना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों यह अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसका नीचे आप अबाउट का ऑप्शन में एक बार दबा दीजिए बटन। दबाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब टर्म कंडीशन जो है, इसमें टर्म सर्विस में आप एक बार क्लिक कीजिए। उसका बाद गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऑलवेज भी कर सकते हैं, वन टाइम भी कर सकते हैं। उसका बाद दोस्तों इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोग को मालूम होगा दोस्तों यहाँ पे क्या करना है। उसका बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो टोल बार है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो दोस्तों मेरा ब्लॉगर का साइट है ATFUTECHBLOGSTAR.COM, इस पर आप चार्ज कीजिए। चार्ज करके आप लिखने के बाद आप चार्ज कीजिए। चार्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रेडमी गो करके FRP का जो गूगल अकाउंट है और FRP है वहाँ पे है। आप यहाँ वहाँ से आप वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए। FRP जो है और गूगल अकाउंट जो है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका बाद आप इसका ऊपर एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट दोस्तों 8.9 वर्जन का ही आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेगा फाइल ओपन होगा। मेगा फाइल ओपन होने में कुछ ही समय लगता है। लगने के बाद यहाँ पे आप सिंपल से प्रोसेस है, जब ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप डाउनलोड पे एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, डाउनलोड शुरू हो गया है। जब दोस्तों डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो गया, अभी सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों अलाउ मांगता है, अलाउ कर दीजिए।
उसका बाद फिर से बैग आई है। बैग आने के बाद दोस्तों आप अभी जो FRP है, FRP पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों पहले जैसा ऑप्शन था सेम ऐसा ऑप्शन ही होगा। आप अभी दोस्तों डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड हो गया, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों आप पहले अभी दोस्तों आप 3 डॉट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। पहले आपको गूगल अकाउंट जो है उसको इंस्टॉल करना है। आप गूगल अकाउंट पहले इंस्टॉल कर दीजिए दोस्तों। गूगल अकाउंट इंस्टॉल होने के बाद आप डन कर दीजिए। यहाँ पे डन करके आप इसको छोड़ दीजिए। उसका बाद दोस्तों आप FRP बाईपास जो है उसका इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल होने में दोस्तों थोड़ा समय लगता है। उसको दोस्तों ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप साइड में थोड़ा समय पकड़ के रखना है और ब्राउजर का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जो भी ईमेल आपका अपना है या दूसरा का है आप यहाँ पे डाल दीजिए। डाल दे के आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। जो ईमेल का पासवर्ड है आप पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे साइन इन कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों कुछ समय लगता है। जब साइन इन कम्प्लीट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो। जाइए और न्यू सेटअप कीजिए। सेटअप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों सेटअप न्यू यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हमने जो ईमेल डाला था वो ईमेल यहाँ पे शो हो गया है। अभी दोस्तों नेक्स्ट कर दीजिए और आपका जो अकाउंट है दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है और आपका जो गूगल FRP था वो भी चला गया है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे की तरह मैं इसी तरह के टेक वीडियो में बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए।